नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाय की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर अपना खुद का चाय का स्टॉल ओपन करके बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों, चाय इंडिया में पाया जाने वाला सबसे कॉमनली हॉट ड्रिंक है। चाय की दुकानें और चाय की टपरी आपको इंडिया के हर कोने कोने में देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली इंडिया में चाय के बिजनेस में एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें बहुत सारी नई नई कंपनियां चाय के बिजनेस में आ गई है और अपनी फ्रेंचाइजीज को बेच के बहुत सारा पैसा कमा रही है। इसमें वो फ्रेंचाइजी बेचने वाली कंपनी तो पैसा कमा रही है, लेकिन वो कस्टमर जिसने वो फ्रेंचाइजी ली है क्या वो पैसा कमा पा रहा है? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इंडिया में चाय की फ्रेंचाइजी देने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, चाय पॉइंट, चाय गरम, चाय टपरी, येवले अमृतुल्य, चाय ठेका, टी टाइम, टी हाउस, टी पोस्ट, चाय ठेला जैसी और भी बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां अपनी फ्रेंचाइजी इंडिया में बांट रही है। इसमें ये कंपनियां जो फ्रेंचाइजी दे रही है वो अच्छा खासा फ्रेंचाइजी फीस के रूप में पैसा कमा रही है, लेकिन जो इंसान ये फ्रेंचाइजी ले रहा है क्या वो अच्छा खासा कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है? क्या हमें चाय की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या फिर खुद का ही आउटलेट ओपन करना चाहिए? चलिए इन चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आपने एमबीए चाय वाले का नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी की पूरी इंडिया में 200 से भी ज्यादा आउटलेट रन कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट न्यूज के हिसाब से इस कंपनी के बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर दिन का 1000 रुपया भी अपने आउटलेट पे कमा नहीं पा रहे हैं। उल्टा उनको अपने जेब से हर महीना 40 से 50 हजार रुपया खर्चा करके अपने आउटलेट को रन करना पड़ रहा है। इसके प्रूफ के लिए ये ऑडियो सुने। नहीं नहीं, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। चला रहे तो चला रहे, चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए, अभी इसमें बहुत ज्यादा लग गए। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा। वो तो एक दो बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ आप बताओ। हर महीने 50-60 हजार का लॉस हो रहा है। ट्रबल पे अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा, वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके अलावा एमबीए चाय वाली कंपनी इनकी फ्रेंचाइजी लेने वालों की हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी लेने वाला आदमी बार बार कॉल करता है और ये कॉल भी नहीं उठाते हैं। इसके लिए ये वीडियो देखिए। और मैं एमबीए चाय वाला प्रीतम नगर आउटलेट से फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। और तो और, जो इस कंपनी का मालिक है प्रफुल बिल्लोरे, उसको खुद नहीं पता कि उसकी कंपनी कितने टाइप की चाय में डील करती है। इसके लिए भी ये ऑडियो सुनिए। अपनी कंपनी में चाय कितनी देते हो आपको पता है? फ्रेंचाइजी बेचते हो तो वो सब समझ रहा हूँ मैं तो। अपन यहाँ नहीं, आप चाय कितनी देते हो आपकी कंपनी में? जब चाय का फ्रेंचाइजी बेचते हो तो चाय के कितने फ्लेवर देते हो आप? दो तीन देते हो? ये भी आपको पता नहीं है सर? स्टार्टअप 6 नंबर पे आ गया, आपको ये और नॉलेज नहीं है, आप चाय फ्रेंचाइजी 4 देते हो आप? दोस्तों, प्रफुल बिल्लोरे को तो इंडिया में मोस्टली सभी लोग जानते होंगे। ये एक बिजनेसमैन कम और मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा बन गए हैं। अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर ये मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जिसकी वजह से पूरी इंडिया में इनका बहुत नाम हुआ और इनकी ब्रांड वैल्यू बनी। और इस ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाकर ये लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी बेचने लगे, जिससे इनको तो फायदा हुआ लेकिन इनकी फ्रेंचाइजी लेने वाले लोगों को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनको फ्रेंचाइजी बेचने से मतलब है, फ्रेंचाइजी कैसे चल रही है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से लोग इनके अगेंस्ट हो गए हैं और इनकी कंप्लेन कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिफंड मांग रहे हैं। एमबीए फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीमियम कैटेगरी में आता है, क्योंकि इनकी जो चाय है वो 30 रुपए से लेकर 40 रुपए के आसपास की है, क्योंकि Tier 1 सिटी में लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पेंड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। वो 10 रुपए की चाय का आसानी से 20 रुपए भी दे सकते हैं। तो ऐसे बड़े शहरों में ऐसी फ्रेंचाइजी आउटलेट आसानी से चल सकती है। लेकिन अब हम बात करें Tier 2 और Tier 3 सिटीज की, तो उन सिटीज के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी कम होती है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज में आप 25 से 30 लाख रुपए डालकर फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो आपके चांसेस कम है कि आपकी फ्रेंचाइजी आउटलेट प्रॉफिटेबल होगी। इसके अलावा आपका जो आउटलेट का एरिया होना चाहिए वो हाई फुटफॉल वाला एरिया होना चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादा लोग आपके आउटलेट पे आएंगे, जिसकी वजह से आपके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो अगर आप इन कंपनियों की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो आप बड़ी सिटीज में सोच सकते हैं, जहां पे आपका एरिया हाई फुटफॉल वाला होना चाहिए और साथ ही साथ आपको चाय के साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स को भी बेचना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं Tier 2 और Tier 3 सिटीज की बात करूं तो वहां पे आपको इन कंपनियों की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए, वहां पे आपको खुद की चाय की दुकान ओपन करनी चाहिए, जो कि आप बहुत कम बजट में शुरू कर पाएंगे। अब 20,000 रुपए से लेकर 2
2 लाख रुपए के बीच में आसानी से अपनी चाय की दुकान खोल पाएंगे। अगर आपको इन कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है वो भी छोटे शहरों में, तो आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको स्पेस के लिए सर्च करनी पड़ेगी। स्पेस आपको ऐसी जगह पे लेनी है जहाँ पे हाई फुटफॉल वाला एरिया हो, जैसे कि कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉर्पोरेट पार्क जैसी जगहों को आपको ढूंढना होगा। और ऐसी जगहों पे आपके पास में स्पेस भी बड़ी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके आउटलेट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और आपके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। अगर मैं एमबीए चाय वाले की बात करूं तो उन्होंने पिछले साल इंदौर में 7 आउटलेट को ओपन किया था, जिसमें से 6 बंद हो गए और एक ही खाली सक्सेसफुली चल रहा है, क्योंकि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा, जिसकी वजह से लोगों को अपने आउटलेट को बंद करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप भी इन कंपनियों की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो एक बार अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें, नहीं तो अपना खुद का ही ब्रांड बना के बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अपनी खुद की चाय की दुकान चालू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो फ्रेंचाइजी आउटलेट है जो कंपनी के द्वारा आप लेते हैं, ये छोटे शहरों में नहीं चलने का एक और कारण ये है कि इनके आउटलेट पे आपको चाय 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक मिलती है, और वही सेम चाय आपको नॉर्मल दुकान पे 10 रुपए की मिल जाएगी। तो इन फ्रेंचाइजी आउटलेट को आसपास की छोटी दुकानों से भी बहुत बड़ा कंपटीशन मिलता है, जिसकी वजह से इनके यहाँ पे कस्टमर कम जाते हैं और इनको कम प्रॉफिट होता है। दोस्तों, फ्रेंचाइजी बिजनेस में सभी आउटलेट प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। अगर किसी ब्रांड ने 10 फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन किए हैं, उसमें से 2-3 नॉन प्रॉफिटेबल होंगे। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि वहाँ पे स्पेस सिलेक्शन गलत हुई हो, ये फ्रेंचाइजी जैसा आउटकम सोच रही थी वैसा आउटकम नहीं मिल पा रहा हो। अगर मैं मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसे ब्रांड की भी बात करूं, तो ऐसे बड़े ब्रांड्स की भी फ्रेंचाइजी बंद होती है, उनके पीछे भी यही सारे रीजन होते हैं। लेकिन जितना बड़ा ब्रांड होगा उसके SOPs, रूल एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से बड़े ब्रांड जब भी किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं तो वो लोग बहुत सारी चीजों को चेक करते हैं, और फ्रेंचाइजी लेने वाला वो सारी चीजों में पास होता है तो ही उसको फ्रेंचाइजी दी जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में फ्रेंचाइजी बिजनेस में ये इतने अच्छे से फॉलो नहीं किए जाते, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी लेने वालों को नुकसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी एक चाय की दुकान है तो आप दिन का कितना कमा सकते हैं। मान के चलिए कि आप 1 कप का 10 रुपया चार्ज करते हैं और आप दिन का 200 कप चाय बेचते हैं, तो महीने का हो जाता है 60,000 रुपया। इसके अलावा आप अपनी दुकान पे स्नैक्स बेचते हैं, जैसे कि चिप्स, नमकीन, बिस्किट वगैरह, उसका अगर मैं दिन का 2,000 रुपया पकड़ूं तो महीने का हो जाएगा 60,000 रुपया। चाय और स्नैक्स का मिलाकर आपका रेवेन्यू हो जाता है 1,20,000 का। इसमें से मैं मेकिंग कॉस्ट निकाल दूं तो हो जाएगा 40,000 के आसपास, तो 80,000 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। इस 80,000 में से आप अपना खर्चा निकाल दीजिए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बच जाएगा, जो कि होगा लगभग 30,000 से 35,000 के आसपास। वही आप इन ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लेंगे तो इनकी फ्रेंचाइजी फीस का कॉस्ट, इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉस्ट, इक्विपमेंट का कॉस्ट और लगने वाले रॉ मटेरियल का अगर मैं कॉस्ट पकड़ के कैलकुलेट करूं तो कम से कम आपका 20 से 25 लाख रुपया लगने वाला है, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली, आप दिन का 5,000 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो 30 दिन का हो जाएगा 1,50,000 रुपया। अगर मैं इसमें आपके खर्चे निकालूं तो आपके रॉ मटेरियल का मैं 70,000 रुपया पकड़ लेता हूं। अगर आपकी दुकान खुद की है तो कोई बात नहीं, अगर आपने रेंट पे लिए तो रेंट का मैं 40,000 रुपया पकड़ लेता हूं। इसके अलावा 2 स्टाफ का मैं 30,000 रुपया पकड़ लेता हूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और भी मिसलेनियस बिल को मैं 10,000 रुपया पकड़ लेता हूं। इसके अलावा ऑनर खुद वहां पे काम कर रहा है तो मैं ऑनर का भी सैलरी मिनिमम 10,000 रुपया पकड़ लेता हूं। तो इन सब खर्चों की मैं यदि कैलकुलेशन करता हूं तो होता है 1,60,000 रुपया। 5,000 रुपए के हिसाब से आपकी इनकम हो रही है 1,50,000 रुपया और आपका खर्चा हो रहा है 1,60,000 रुपया। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट कहां हो रहा है। इसके अलावा आपने 20 से 25 लाख रुपया और खर्चा किया हुआ है इनकी फ्रेंचाइजी लेकर आउटलेट ओपन करने में। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपकी खुद की एक रिसर्च होनी चाहिए, जिसमें आप कंपनी के पहले से ओपन किए हुए फ्रेंचाइजी आउटलेट में जा सकते हैं और उसके ऑनर से बात कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन उनको बचता है, क्या प्रोडक्ट बिकता है, क्या नहीं बिकता है। जब आप किसी दूसरे फ्रेंचाइजी आउटलेट के मालिक से बात करेंगे तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि इस कंपनी की फ्रेंचाइजी आउटलेट आपके लिए फायदेमंद होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।